वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पीनट चिक्की या फिर इसे आप पीनट पापड़ी भी बोल सकते हैं। ये घर के बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद आती है। चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पीनट चिक्की बनाने के लिए 500 ग्राम रॉ पीनट लिया है। अब मैं इसे रोस्ट कर लूँगी। देखिए, मैंने यहाँ पर पैन हीट कर लिया है। अब मैं इसमें पीनट ऐड करूँगी और अब मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करूँगी। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करूंगी ताकि ये जले नहीं। देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मैं इसे ठंडा होने दूंगी। देखिए, मैंने इस तरह का बर्तन लिया है। अब मैं इसमें इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी और अब मैं इसे हाथों से इसके ऊपर का छिलका उतार दूंगी। देखिए इस तरह से। देखिए, मैं इस तरह से इसे क्लीन कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे क्लीन कर लिया है। अब मैं इसे ग्लास की हेल्प से इस तरह से दबा दूंगी ताकि ये हाफ हो जाए। ग्लास से या फिर किसी प्याली से आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए हैं और अब पीनट बिल्कुल रेडी है। देखिए, मैं यहाँ पे 250 ग्राम जैगरी ली हूँ यानी कि गुड़। और अब मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी, उसमें गुड़ ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच के करीब पानी ऐड करूँगी और अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट होने दूँगी। अब आप देख सकते हैं जैगरी बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाऊंगी और मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर पे पानी में डालकर देखती जाऊंगी कि ये बिल्कुल टाइट हुआ है नहीं। देखिए, अभी बिल्कुल सॉफ्ट है और अब मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करती रहूंगी। देखिए, अब मैं यहाँ पे फिर से एक प्याली में पानी ली और मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूंगी और अब मैं इसे देखूंगी कि ये टाइट हुआ है या नहीं। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्रंची हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें पीनट ऐड कर दूंगी। देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें अब पीनट्स ऐड कर दूंगी और मैं इसे पीनट्स ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत जल्दी टाइट होने लग जाता है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं जिस प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी, मैं उसे घी से पहले ही अच्छे से ग्रीस कर चुकी हूँ। आप जिस भी बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप उसे घी या रिफाइंड से पहले से ग्रीस करके रखें ताकि इसे निकालने में आसानी होगी। देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से दबा दूँगी। अब मैं इसे हाथों से या फिर स्पैचुला से इसे थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी और अब मैं यहाँ पे एक बेलन लूंगी। मैं इसके ऊपर अच्छे से घी अप्लाई कर दूंगी और अब मैं इसे राउंड बेल लूंगी। मैं इसे थोड़ा सा पतला करूंगी। देखिए, इस तरह से मैं इसे दबाकर बेल लूंगी। देखिए, मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर कट का निशान लगा दूंगी ताकि ठंडा होने के बाद आसानी से पीसेस में अलग हो सके। देखिए, मैं इस तरह से इसे कट कर लूंगी। देखिए, मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब आप देख सकते हैं यह ठंडा हो चुका है। आइए अब मैं इसे पीसेस में अलग कर लेती हूँ। देखिए, मैं इसके ऊपर घी लगाई थी, ये कितनी आसानी से अलग हो गया है। ये बहुत ज़्यादा ही क्रंची बना है। देखिए, इस तरह से मैं इसे सारे पीसेस को अलग कर दूंगी।
देखिए मैं इस तरह से सारे पीसेस को अलग कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रंची, बहुत ज़्यादा टेस्टी पीनट चिक्की बिल्कुल रेडी है। और आपने देखा ही ये बनाना कितना आसान है, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।